हेलो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम टू वॉच माय वीडियो। इन प्रीवियस वीडियो आई टॉट यू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, बट टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, एंड आई विल एक्सप्लेन यू वेरी डीपली एंड वेरी वेल, so that you will understand everything effect of tense. Now let us come to study the sentences. मैंने आपको कल सिखाया था present perfect के बहुत सारे उदाहरण भी बताए थे और मैं आपको एक बार और revise करा देता हूँ। इसमें present perfect tense में तो verb की third form जरूर हमें याद करना पड़ती है, वो तो verb की third form जरूर याद करें, otherwise ये मेहनत करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। चलिए देखिए, जैसे वह स्नान कर चुकी है, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और सी इसके साथ है जाता सिंगुलर के साथ, तो सी है और स्नान करना मतलब बाथ, तो इसमें बाथ इसमें ईडी लगा देंगे, ये थर्ड फॉर्म हो गई। और ये है या हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाना पड़ती है सिंगुलर का। मैं बताया था प्रीवियस वीडियो में कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज करते हैं और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दैट इज सिंपल, या इसका हिंदी में होगा वह है स्नान कर चुकी है। इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने ये सेंटेंस बनाया उसी तरीके से हम ये प्लूरल का ले लेते हैं, जैसे वे बहुत अच्छा खेल चुके हैं तो हम बोलेंगे दे हैव प्लेड वेल। हम ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा खेला है, मतलब ये है इसमें काम को पूरा किया हुआ बताया जाता है, काम कंप्लीट हो गया बचा लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अभी सेंटेंस होगा, मैं आपको बताने वाला हूँ नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव में क्या है, इसके ये हैज के बाद में या हैव के बाद में हैज, इसके बाद में नो लगा देते हैं, ठीक है। जैसे मैं ये आपको बता देता हूँ, जैसे आप चुके हो तो कैसे बोलेंगे, जैसे यू ये प्लूरल में आया तो हैव इस्तेमाल करेंगे, यू हैव मिस्ड योर। इसका हिंदी में तो जाएगा अपने पेरेंट्स को याद कर चुकी है, आपने अपने पेरेंट्स को याद किया, माता पिता को याद किया, आप ने अपने माता पिता को याद किया। तो इस तरीके हमें इसके बाद में नोट लगा देंगे, तो ये आपने अपने माता पिता को याद ही नहीं किया, तो यू हैव नॉट मिस्ड योर पेरेंट्स। तो इसलिए इसमें थर्ड फॉर्म जरूर याद कर ले, जैसे मैं आपको दो तीन मैं अभी यहां बताता हूं, जैसे प्ले तो इसमें ईडी लगा देंगे, ईडी से ज्यादा थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म बन जाती है, प्लेड हो जाएगा, ये भी थर्ड हो जाएगी। ऐसे ही सेल की, सेल मान बेचना, तो इसकी सेल की सोल्ड हो जाएगी और थर्ड भी सोल्ड हो जाएगा। इसी तरीके से राइट की, राइट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी रोड और थर्ड हो जाएगी रिटर्न। इस तरीके की आप थर्ड फॉर्म जरूर याद कर ले तो हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं, सीख सकते हैं। तीसरी बात, इसमें जो है हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हैज को या हैव को उठा करके शुरू में लगा देंगे, जैसे मैं इसको प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस में जो है इंट्रोगेट बनाने वाला हूँ। तो इंट्रोगेट माना होता प्रश्नवाचक, तो प्रश्न कैसे बनाना है, जैसे लिखा है यू हैव नॉट मिस्ड योर पेरेंट्स, तो इसको उठा करके शुरू में ले आओ यहाँ पर, बाकी वैसा ही तो वैसा बन गया प्रश्नवाचक। इस तरीके have you missed
यू पेरेंट्स।